गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो कोर्स है अपना सोयल साइंस का मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसके अंदर हमने पढ़ा था मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, सोयल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद में क्या क्या डिफरेंस होता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ तक हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे मैन्योर होते कौन कौन से हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, क्या उनके फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि स्थूल कार्बनिक होते हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा भोजन में या बहुत ज्यादा मात्रा में फूड में दी जाती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की परसेंटेज मात्रा कम होती है और वैसे कुछ ज्यादा मात्रा में दिया जाता है। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में सबसे पहले बात करेंगे FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर जिसको हम साधारण भाषा में या हिंदी में बोलते हैं गोबर की खाद, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर FYM। तो जो गोबर की खाद है वो हमारे देश में सबसे प्रचलित और सबसे पुरानी है, जिसके बारे में लोग जानते हैं वो खाद है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इससे फायदे क्या करते हैं, इसको अप्लाई करने क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले जो लोग स्थूल कार्बनिक खाते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर से, जैसा कि नाम से ही पता चला है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक खाद है, तो जो सोइल है या खेत है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो जो सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी तो भूमि में एरेशन अच्छा होगा, भूमि की फिजिकल कंडीशन या मान लें कि भौतिक दशा में सुधार होगा, भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल संचयन क्षमता वो बढ़ती है। और इसके अलावा FYM को सबसे पहले में बोला जाता है पूर्ण खाद्य कंप्लीट मैन्योर। पूर्ण खाद क्यों बोला जाता है, क्योंकि FYM एक ऐसी खाद है जिसके अंदर जितने पौधों को चाहिए सारे के सारे पोषक तत्व एक ही खाद के अंदर विद्यमान रहते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो FYM के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट मैन्योर या पूर्ण खाद माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, सारे सारे पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन FYM के बारे में। अब बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की, इसके मुख्य संघटक कौन कौन से होते हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट ऑफ FYM या जो गोबर की खाद के हैं कंपोनेंट यानी कि गठन तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। तो मुख्य रूप से इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो इसके नाम से जैसा है, जैसे गोबर की खाद सबसे पहले क्या चाहिए, गोबर मुख्य पहला घटक है जो होती है गोबर, या जिसको बोलते हैं गंध बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसका मुख्य घटक जो मूत्र है पशुओं का, जो मूत्र है जिसको यूरिन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा इसका मुख्य घटक है बिछावन या
मुख्य घटक होते हैं जो कि गोबर की खाद को बनाने के लिए बनाने के लिए तीन घटकों की आवश्यकता होती है, तीन में की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गोबर की या धन की, क्या विशेषता होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो सामान्यतः गाय जो कंपोनेंट और पहला कंपोनेंट है गोबर या धन, इसकी बात करते हैं। तो गोबर में क्या पाया जाता है, लगभग 70-80% है जो कि गोबर में पाया जाता है। अलग अलग पशु जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी सभी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है संतुलन में, जो मुख्यतः गाय होते हैं जो कि उनमें 70-80% तक पानी पाया जाता है और इसके अलावा 20-30% तक अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि अघुलनशील और अपचित होता है, जो ठोस पदार्थ है वो पाया जाता है। उसके बाद में दूसरे घटक की बात करें जो गाय होता है उसके अंदर करीब 4% है घुलनशील पदार्थ पाया जाता है, सोल्युबल मटेरियल, और लगभग 90% वाटर पाया जाता है। जो सोल्युबल मटेरियल होता है तो इसको मान सकते हैं सोल्युबल मटेरियल मान सकते हैं जिसका मुख्य घटक होता है यूरिया। ये यूरिन का मुख्य घटक होता है वो होता है यूरिया, जैसे कि वो FIM के अंदर है नाइट्रोजन की मात्रा के लिए पूर्ति होती है जो कि मुख्यतः पाया जाता है यूरिन के अंदर। इसके बाद में जो तीसरा घटक है मुख्य यूरिन के बाद में वो होता है लीटर या कि बिछावन। सबसे पहले बिछावन बोलते किसके हैं, बिछावन जब पशुओं को पक्के फर्श पे या कहीं बांधा जाता है या रखा जाता है तो उनको कंफर्ट या आराम प्रदान करने के लिए पक्के फर्श पर उनको इतना कंफर्ट महसूस नहीं होता है, तो उसके नीचे जो फसल अवशेष है गेहूं का भूसा है जई है अदरक के भूसा है जो कि उनको बैठने उठने में या कहीं आसानी हो इसके लिए उनके नीचे बिछाया जाता है, जो फसलों का अवशेष पदार्थ है अवशेष होता है उसको बिछाया जाता है तो उसको बोलते हैं बिछावन। तो इस बिछावन के अंदर जब पशु सारा दिन इसके ऊपर रहेगा इसके ऊपर बैठेगा तो उसके अंदर भी गोबर और मूत्र की जो मात्रा है वो भी पाई जाती है। इन तीन कंपोनेंट से मिला के हम FIM का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले FIM होते क्या है, उसके फायदे क्या हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब FIM के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो तीन मुख्य कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले है डंग, सेकेंड है यूरिन एंड थर्ड है लीटर। अब इसके बारे में बात इसके बारे में बात करेंगे इसको बनाने की विधियां। बनाने की विधियां तैयार करने की जो विधियां हैं कौन कौन सी विधियां हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ FIM को बनाने की विधियां, तो जो सबसे पुरानी और प्रचलित विधि है वो होती है गड्ढा विधि। ठीक है, तो सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित है जिसको कन्वेंशनल व्यापारों में भी बोल सकते हैं जो पहले काम में ली जाती थी। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, जमीन में गड्ढा खोद दिया जाता था उसके बाद में जो भी पशुओं का अवशेष बचता गोबर है जो भी है उसके नीचे की बिछावन है सभी को इस गड्ढे के अंदर भरते जाते और लास्ट में इसको ढक के छोड़ दिया जाता और लगभग
2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये सज बल के अवघटित होके और बाद में अपनी तैयार हो जाती है, इसका नाम डीकम्पोजिशन हो जाता है। बीच बीच में पानी की मात्रा भी डालते रहते हैं जिससे कि इसका अपघटन जल्दी हो। तो ये तो था गड्ढा विधि। जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है ट्रेन मेथड या इसको आधुनिक विधि भी बोलते हैं, मॉडर्न। अब वायु बनाने की आधुनिक विधि या ट्रेंच मेथड है, जिसे इसको हिंदी में बात करें तो नाड़ी विधि बोलते हैं। ठीक है, नाड़ी। अब इसके अंदर कैसे तैयार की जाती है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक केंद्र नालियां बनाई जाती है जिनकी लंबाई रखी जाती है 6। ट्रेंच की जो तो साइज रखा जाता है 6 × 3 × 1 मीटर, तो इसकी लंबाई रखी जाती है 6 मीटर। चौड़ाई रखी जाती है 1 मीटर और इसकी जो विड्थ है या गहराई रखी जाती है होती है विड्थ या बोलती है 3 मीटर। ऐसे ऐसे करके नालियां बना लेते हैं जिस किसान के पास लगभग 3 से 4 फुट है उसके लिए साइज की 2 नालियां पर्याप्त रहती है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 30 सेंटीमीटर की दन किया है गोबर की पहली परत लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बिछा दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में पानी डाल के उसको नम कर दिया। उसके बाद में भी सेकेंड जो लेयर है वो 30 सेंटीमीटर की, वो किसकी लगाते हैं, लीटर्स की, बिछावन की। और जो इसका एक मेन कंपोनेंट था यूरिन या पेशाब, उसको भी हम बीच बीच में पानी और पेशाब के द्वारा इसको नम रखते हैं। तो इस प्रकार परतें लगाते हुए इसको जमीन से लगभग 2 फीट या माने तो 60 सेंटीमीटर इसको ऊपर लेके, जमीन से इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। बाद में इसको नमी अच्छी तरह से नम करके और इसको ऊपर से लेप दिया जाता है, गोबर या मिट्टी से लेप दिया जाता है। लगभग 60 से 70 दिन में ये पूर्णतया अपघटित होकर सड़ गल के तैयार हो जाती है। और जब तक ये खाते हैं होती है तो अंदर जो दो नालियाँ होती है नॉर्मल किसान के पास, जिसके पास 3 से 4 पशु है, तो ये सेम प्रक्रिया वो अब किचन दूसरी ट्रेन के में करता रहेगा जब तक इसको भरने का समय पूरा आएगा। तो लेपने का समय आ गया, इसको 60 से 70 दिन का समय चाहिए, तब तक इस वाली जो पहली जो ट्रेन है इसकी खाद तैयार हो चुकी है और इसको निकाल के खेत में काम में ले लेते हैं। और फिर इसको जब भर दिया तो दूसरे के अंदर सेम प्रक्रिया चालू रहती है। तो वर्ष भर यह प्रक्रिया भी कंटिन्यू रहती है यह ट्रेन के अंदर। ये तो हो गई बढ़ाने की चीज। सबसे पहले हो गया भाई मुक्ति क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, इसको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। और अब लास्ट में बात करते हैं अपन ने जो इसके संघटन है या इसका जो कंपोजिशन है उसको प्रभावित करने वाले कारक है। तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले
टाइप ऑफ एनिमल या जानवर का प्रकार कि हम इसके गोबर से जो खाद बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रभावित करता है। अब सभी जितने भी प्रकार के पशु है, गाय भैंस बकरी ऊंट घोड़ा मुर्गी, सभी का जो डंग और यूरिन है इनका संतुलन भिन्न भिन्न होता है। किसी में पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो इसके अनुसार से इसमें जो संतुलन है कंपोजिशन है तो उसमें वेरिएबिलिटी आएगी। जैसे किसी की बकरी के गोबर से तैयार किया तो उसका संतुलन थोड़ा अलग होगा, किसी गाय से तैयार किया तो उसका अलग होगा। सेकेंड जो इसकी कंपोनेंट को प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है एट ऑफ एनिमल, पशु की उम्र। तो जब तक पशु छोटा होता है या जवान होता है तब तक उसकी सब पाचन क्रियाएं वगैरह वगैरह सब बॉडी है वो फिट रहती है, तो सही चलती है। तो जो उसका डंग है उसके अंदर इतने पोषक तत्व नहीं पाए जाते, क्योंकि वो सब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छी प्रकार का है तो वो सारे के सारे पोषक तत्व है जो वो शोषित कर लेता है। जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती है तो उससे जितना उसके खाने में है वो पोषक तत्व है उसके चारे में उससे अवशोषित नहीं हो पाता है और जो अपचित भाग है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे उम्र बड़ी होगी तो उसका जो रंग है या गोबर है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आप लिख सकते हो अधिक उम्र के पशुओं के गोबर में पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दो हेक्टर हो गए। नेक्स्ट हेक्टर की अपने बात करें कौन सा कार्य प्रभावित कर सकता है, वो है वर्क ऑफ एनिमल या जानवर का कार्य। अब कोई दूध देने वाला पशु है तो जिसके अंदर जितना पोषक तत्व ले रहा है उतना उससे बॉडी से निकल रहा है, दूध के रूप में निकल रहा है। तो कोई बैल है एक फ्री रहता है, जिस दिन फ्री रहता है एक दिन जिस दिन वो उसने जरूरत से ज़्यादा मेहनत किया खेत में जुताई वगैरह का काम किया, तो जिस दिन पशु का कार्य ज़्यादा किया होगा, तो जिस दिन फिजिकल वो ज़्यादा जिसने काम किया होगा तो उस दिन उसको ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व या ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तो उस दिन का जो गोबर होगा उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी। तो जो जानवर है उसके कार्य से भी इसके जो एफ आई एम का कंपोजिशन है या संगठन है इसमें डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो टाइप ऑफ लिटर जो हम बिछावन या बिछाली लेते हैं या बिछावन का प्रकार, बिछावन का प्रकार जो तीन ही मुख्य कंपोनेंट होते हैं डंग यूरिन एंड लिटर। अब बिछावन हमने कौन सी प्रयोग का लिया, किस प्रयोग का पुआल लिया है, भूसा लिया, किस प्रयोग के अवशेष लिए, उसके अंदर पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में उपलब्धता है या कितनी मात्रा में पाया जाता है।